पंजाब गवर्नमेंट ने जब से असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लाइब्रेरियंस की पोस्ट निकाली है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के रीजन में पढ़ते हैं जो कॉलेज, तब से उन लोगों में हलचल मची हुई है जो किसी कारण एलिजिबिलिटी की प्रॉब्लम जिनकी बनती है और जिनकी एज की प्रॉब्लम बनती है। दो प्रॉब्लम लगातार चलती रही है, एक एज की और एक जो नेट यूजीसी डेट एलिजिबिलिटी की। एज की प्रॉब्लम के लिए लॉजिक ये रहा है, जस्टिस ये मांग रहे हैं, मेरे पास इतने कमेंट्स आए हैं कि लगभग 2001 से ये पोस्ट बैन है, नहीं निकली, ठीक। तो अब ये चल रहा है 2021, ठीक, ये पीरियड बन रहा है लगभग 20 साल का, 20 years। अगर 20 year बनते हैं, अगर ये पोस्ट जब भी इनकी फ्रिक्वेंसी बनती थी, इंटरवल बनता था, तब ये निकलती रहती, जैसे 2003 में, 5 में, 7 में, 8 में निकलती रहती, तो ये कुछ शख्स थे जो एलिजिबल थे और जिन्होंने ये जॉब को प्राप्त कर लेना था, क्योंकि इतने लंबे अरसे से ये जॉब नहीं निकली, तो वो जो पर्संस थे वो ओवर एज हो गए। ओवर एज का मामला है, ओवर एज कैसे हो गए कि गवर्नमेंट ने 18 से 37 ईयर तक रखी है कि इस एज तक आप अप्लाई कर सकते हो। वो भी कब तक, पहले आया था कि 1 जनवरी 2022 तक। अब जो पिछली वीडियो है उसमें करेक्शन मैंने बताई थी कि जो गवर्नमेंट ने कर दी है, डीपीए कॉलेज ने कर दी है, वो 1 जनवरी 2021। इससे फिर हलचल बढ़ गई, कोई एलिजिबल जो खुश था वो नाखुश और नाखुश वाला खुश हो गया, चलो ये गड़बड़ थी। लेकिन ये साथ में संघर्ष इन लोगों का चलता रहा जो ओवर एज में आ गए, जिनकी एज 37 से प्लस हो गई अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, ठीक, 1 जनवरी 2021 से। और ये लोग डिमांड कर रहे थे डेमोक्रेटिक वे से, ये सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मिस्टर कृष्ण कुमार जी से जाके मिले, उनको रिप्रेजेंटेशन दी कि सर हमें जस्टिस चाहिए, हमारा कसूर क्या है। तो जस्टिस के लिए गए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी। तो मैंने जैसे पहले भी कहा है कि मिस्टर कृष्ण कुमार जी जो सत्य में विजयते तक की पर्सनैलिटी रही हैं, वो जस्टिस के फेवर में है, ऑनेस्टी के फेवर में है, सच के फेवर में है, डेवलपमेंट के फेवर में है। उन्होंने इसको पॉजिटिव साइन दिया है, और यही नहीं, उन्होंने प्रपोजल, जो खुशी की बात है, जो इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूं, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुई है, लेकिन जो टोटल 37 के प्लस लोग हैं, प्रपोजल क्या दिया गया है मिस्टर कृष्ण कुमार जी की तरफ से, जो चीफ मिनिस्टर हैं या एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जिनके पास भी हायर अथॉरिटी के पास ये जाना है, तो वो ये 18 साल से, यहाँ लिखता हूँ, 18 साल से 45 तक का प्रपोजल है। तो ये खुशी की बात है कि ये देखिए 37 8 ईयर ये जो लोग हैं इस कैटेगरी में आ रहे थे वो अब एलिजिबल हो सकते हैं, ये विद इन 2 days 1 day नोटिफिकेशन आ सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि गवर्नमेंट, क्योंकि दूसरा आप जानते हो इलेक्शन के दिन चल रहे हैं, कि आपके फेवर में ही डिसीजन लेने की कोशिश पूरी होगी। तो अगर ऐसा होता है तो आपको तैयार रहना चाहिए कि आप जो 45 के नजदीक पहुंच चुके हैं, देखते हैं कि 45 अप्रूव होता है, 42 अप्रूव होता है, 40 अप्रूव होता है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कृष्ण कुमार जी ने 45 तक को यस कर दी है अपनी तरफ से, उन्होंने मैक्सिमम का किया गया था, ये भी सुनने को मिल रहा है कि शायद ये तो सिर्फ 37 से ये जो लोग गए थे 37 से 40 तक की आस रख रहे थे,
लेकिन अभी तक प्रपोजल इतने का जा चुका है। जब भी वो प्रपोजल का नोटिफिकेशन आता है इमीडिएट मैं आपसे शेयर करूंगा। दूसरा, जो नेट वाले संघर्ष कर रहे हैं, नेट वालों को संघर्ष क्या है कि 2020 का दिसंबर का अभी तक नहीं हुआ, ये पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं। ऐसे ही वो लोग भी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से जाके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। दिस इज डेमोक्रेटिक वे, जस्टिस मांगना है, विद रिस्पेक्ट मांगना है, बात करनी है, लॉजिक देना है, आर्गुमेंट देना है। ये उन लोगों के लिए वीडियो बनाया है कि आप भी जाके मिल सकते हो जो दिसंबर 2020 तक का, जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। ये देखिए, 1 साल लगभग हो चला है, तो उसके बाद जून का भी, इसके बाद यहां लिखता हूं, जून 2021 का भी अभी तक नहीं हुआ। तो इन दोनों कैटेगरीज के इतने कमेंट आते हैं, तो जैसे इन लोगों ने जाके बात की है, एक पॉजिटिव लाइन, एक पॉजिटिव फेवर मिला है, तो आप भी ये फेवर ले सकते हो। तो आते ही जब भी ये नोटिस आता है, नोटिफिकेशन होती है, आपको अपडेट करता रहूँगा। जुड़े रहने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए, फीडबैक देने के लिए, सुजेशन देने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।